नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों को पनाह देने वाला गिधवा और परसदा गांव में छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 3 दिनों तक चलेगा। वन विभाग दुर्ग डिवीजन और बेमेतरा जिले में आने वाले इन गांव में यह आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां वन विभाग द्वारा की जा रही है। जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गिधवा में 150 प्रकार के पक्षियों का अनूठा संसार है। इनमें जलीय और थलीय दोनों ही प्रकार के पक्षी शामिल है। इको टूरिज्म के विकास और स्थानीय रोजगार की दृष्टि से गिधवा परसदा में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से वन विभाग और उसकी सहयोगी संस्था क्रो फाउंडेशन नोवा नेचर वाइल्ड लाइफ वेलफेयर जसपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ के पहले बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। गिधवा नानघाट से 8 किलोमीटर दूर मुंगेली रोड पर स्थित है, जो कि 100 एकड़ में फैले पुराने तालाब के अलावा परसदा में भी 125 एकड़ के जल भराव वाला जलाशय है। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों का अघोषित अभयारण्य माना जाता है। सर्दियों की दस्तक के साथ अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ यूरोप, मंगोलिया, बर्मा और बांग्लादेश से पहुँचते हैं। जलाशय की मछलियाँ, गांव की नम भूमि और जैव विविधता इन्हें आकर्षित करती है। गिधवा और परसदा दोनों वाटर बॉडी में गैडवाल, नॉर्थन, पिंटेल, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड, मार्श सेंट पाइपर, कॉमन सेंट पाइपर, कॉमन ग्रीन शिंग, कॉमन रेड शिंग आदि सैकड़ों हजारों की तादाद में कलरव करते हैं। इनके अलावा यहाँ स्थानीय पक्षियों की 50 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पक्षी प्रेमियों को विविध प्रकार के पक्षियों को देखने का मौका मिलेगा। दुर्ग TFO धर्मशील गणवीर ने बताया कि पहला पक्षी महोत्सव 31 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि महोत्सव में रुचि रखने वाले लोगों को ऑनलाइन पंजीयन करवाना होगा। बीसीएन न्यूज के लिए बेमेतरा छत्तीसगढ़ से विजय देशलहरे की रिपोर्ट। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय बेमेतरा के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल मैदान में सवेरे 9 बजे प्रदेश के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। संसदीय सचिव ध्वजारोहण के पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन किया। जिले के कोरोना वॉरियर्स एवं उत्कृष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परंपरागत परेड आयोजित किया गया था। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास उपाध्याय, विधायक एवं संसदीय सचिव ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस अवसर पर शहीदों के परिवारों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इनके विरोचित कार्य को याद किया गया। मुख्य अतिथि ने कपोत और गुब्बारे उड़ाकर विश्व शांति के प्रतीक का संदेश दिया। 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से इस देश का संविधान सबको एक अधिकार देकर इस देश का नाम पूरे विश्व में अव्वल करने का काम किया, हमारे संविधान रचयिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस प्रकार से इस देश के लिए सोचा और जिस प्रकार इस देश के लिए अपनी आहुति और बलिदान दिया, आज सशक्त भारत और शक्ति से भरा हुआ भारत अगर विश्व में कहलाता है तो उन सब का बलिदान और योगदान है। आज हम उन सबको याद करते हैं। मैं बेमेतरा के जिला में सभी संबंधित अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, SP साहब को, पूरे प्रशासनिक हमलों को और जो हमारे पुलिस से जुड़े साथी हैं, हमारे विधायक जी और सभी परिवार को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। बीसीएन न्यूज के लिए बेमेतरा छत्तीसगढ़ से विजय देशलहरे की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।